सूरदास जी के द्वारा रचित उद्धव तुम हो अति बड़ भागी इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। यह पद सूरदास जी के द्वारा सूर सागर में संकलित किया गया ब्रह्मार गीत से लिए गए चार पदों में गोपियों के विरह भाव को प्रकट किया गया है। ब्रज क्षेत्र से मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को कभी कोई संदेश नहीं भेजा था और ना ही वे स्वयं वहां गए थे। इस कारण से गोपियों की विरह पीड़ा बढ़ गई थी। श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग पर चलने वाले उद्धव को ब्रज क्षेत्र में भेजा था ताकि वह गोपियों को संदेश देकर उनकी वियोग पीड़ा को कुछ कम कर सके, पर उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर के गोपियों की पीड़ा को और बढ़ा दिया था। गोपियों को उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला निर्गुण संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसलिए वह उद्धव पर व्यंग्यवाण छोड़ते हुए इस पद की रचना करती हैं। सूरदास ने इन भ्रमर गीतों के द्वारा निर्गुण भक्ति की पराजय और सगुण भक्ति की विजय दिखाने का सफल प्रयास किया है। गोपियां मानती हैं कि उद्धव बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में कभी किसी के लिए प्रेम का भाव जगा ही नहीं, और वह तो कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम बंधन में नहीं बंधा। किस प्रकार से नहीं बंधा? जैसे कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, और मटकी पर यदि तेल लगा दिया जाए फिर उसको पानी के भीतर डुबोया जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उद्धव ने तो प्रेम नदी में कभी अपना पैर तक नहीं डुबोया, पर वे बेचारी भोली भाली गोपियां श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर रीझ गई थी। वे तो उनके प्रेम में डूब चुकी हैं, उनके हृदय की सारी अभिलाषाएं तो मन की मन में ही रह गई और वे मन ही मन वियोग की पीड़ा को झेलती रही। योग के संदेशों ने तो उन्हें और भी अधिक पीड़ित कर दिया है। श्री कृष्ण का प्रेम उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है जिसे वे कभी भी छोड़ नहीं सकती हैं। उन्हें तो सोते जागते श्री कृष्ण का ही ध्यान रहता है। योग साधना का नाम ही उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। वह तो उनके लिए किसी मानसिक बीमारी से कम नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण को ताना मारती हैं कि उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है, एक तो पहले से ही बहुत होशियार थे और अब तो गुरु के ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया है। गोपियां उद्धव को याद दिलाती हैं कि राजधर्म यही होता है कि राजा को कभी भी अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो, अनाशक्त हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में कभी डूब ही नहीं सकता। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न लागों तागी। तुम पत्तों की तरह जल के भीतर रहते हो, जिस प्रकार से कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है फिर भी उस पर जल का एक दाग भी नहीं लगता, या जिस घड़े पर पानी की जगह तेल लगा दिया गया हो और यदि उसे डुबोएंगे तो उस पर एक जल की बूंद भी नहीं ठहरेगी, तुम उसी प्रकार से बन गए हो, यानी कृष्ण के पास रह करके भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ते हो और सदा उनके प्रभाव से मुक्त रहते हो।
तुमने आज तक कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। प्रीत नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जो पागी। तुमने कभी भी प्रेम की नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं, तुम क्या समझोगे हमारे प्रेम को, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर देखकर उस पर उलझी ही नहीं। पर हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रीतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रेम में पड़कर उसमें उलझ गई। किस प्रकार से उलझ गई? जैसे चींटी गुड़ पर आशक्त होकर उससे चिपट जाती है और फिर कभी छूट ही नहीं पाती, जब तक नहीं उतरती है, जब तक उसके प्राण ना छिले जाएं। आपने गुड़ को भी देखा होगा, चींटी को भी देखा होगा। चींटियां यदि गुड़ के पास चली जाएं तो इससे इस प्रकार से उलझ जाती हैं, उसमें चिपक जाती हैं कि उनके प्राण भले ही चले जाएं लेकिन वो गुड़ को नहीं छोड़ती हैं। इसी प्रकार से गोपियां स्वयं की तुलना गुड़ पे लगी हुई चींटी की से कर रही हैं, जो अबला कह रही हैं कि हम तो अबला थी, भौरी थी, पागल थी, आशक्त होकर कृष्ण के भाव में उलझ गई और अब तो हमारी जान ही चली जाएगी लेकिन हम कृष्ण को नहीं छोड़ पाएंगी। उपरोक्त पद में गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता का मजाक उड़ाती हैं। कैसे मजाक उड़ाती हैं? कि उसके हृदय में प्रेम की भावना का अभाव है, वह पूर्ण रूप से प्रेम के बंधन से मुक्त और अनाशक्त है। उसने कभी प्रेम की नदी में अपना पैर ही नहीं डुबोया। उसकी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उन पर कभी मोहित ही नहीं हुई। और गोपियां तो भोली भाली थी जो श्री कृष्ण के रूप माधुरी पर आशक्त हो गई और वे किसी भी अवस्था में अब उस प्रेम भाव से दूर नहीं हो सकती हैं। यानी उनके मन में जो श्री कृष्ण का प्रेम है वह उसे कभी भी त्याग नहीं सकती हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट करते हुए उनकी अनन्यता श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी के प्रति है, यानी कृष्ण जी का रूप जो है उस पर जो है वो आशक्त हैं। गोपियों ने अति बड़भागी शब्द प्रयोग किया है जो व्यंग्य भाव को अपने भीतर छिपाए हुए है। मजाक में वे उद्धव को बड़ा भाग्यशाली मानती हैं। क्यों भाग्यशाली क्यों मान रही हैं वो? क्योंकि वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के निकट भी रहे लेकिन उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रति विश्वास रखता था और उस ब्रह्म का रूप आकार से परे था, इसलिए वह कभी भी स्वयं को कृष्ण के आकार के प्रति बांध नहीं पाया, यानी रूप के प्रति उसका कोई मोह नहीं था। वह तो निराकार कृष्ण के प्रति आशक्त था। उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का बंधन भाव नहीं था। सूरदास ने दृष्टांतों से उद्धव को अनाशक्त और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से सर्वथा मुक्त माना है। किस प्रकार से मुक्त थे उद्धव जी? जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में भी रहता है लेकिन उस पर जल की एक बूंद भी ठहरती नहीं है, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के निकट रह करके उनके प्रति भक्ति भावों से पूर्णतया मुक्त था। तेल की किसी मटकी को जल के भीतर डुबोने पर उस पर एक बूंद भी जल की नहीं लगती, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण की भक्ति में कोई भी प्रभावित नहीं हुआ था। सूरदास के द्वारा रचित यह पद राग मल्हार पर आधारित है। इसमें स्वर मैत्री का सफल प्रयोग और ब्रजभाषा की कोमल कांत शब्दावली गीता के आधार बने हैं, यानी इस पद को गाया जा सकता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भरा मन चाह कर भी कहीं और नहीं टिकता। वे तो पूरी तरह से अपने प्रीतम की रूप माधुरी पर आशक्त थी, उनके प्रेम में पगी हुई थी। जिस प्रकार
चींटी गुड़ पर आसक्त हो करके उससे चिपट जाती है और फिर छूट नहीं पाती। छूटती भी नहीं है बल्कि उसकी जान चली जाती है। गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रति इसी प्रकार प्रेम भाव में डूबे रहना चाहती थी और कभी भी उनसे दूर होना नहीं चाहती थी। गोपियों ने स्वयं को भोरी कहा है, भोरी यानी भोली। जो छल कपट से और चतुराई से दूर हो उसे भोरी कहा जाता है। इसीलिए वे अपने प्रीतम की रूप माधुरी पर शीघ्रता से आकर्षित हो गई थी। वे स्वयं को श्री कृष्ण से किसी प्रकार भी दूर करने में असमर्थ मानती थी और वे चाहकर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं को अबला कहा है। उद्धव के मन में प्रेम भाव है ही नहीं। यही कारण है कि उद्धव को विरह का अनुभव नहीं होता और उसे वियोग की पीड़ा भी उठानी नहीं पड़ती। उद्धव के व्यवहार की तुलना वो पानी पर तैरते कमल के पत्ते और जल में पड़ी तेल भरी गगरी से करती हैं। दोनों पर ही जल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। उद्धव सब प्रकार से अनाशक्त था। इस पद में उद्धव को समझाया गया है कि वह ज्ञानवान है, नीतिवान है, प्रेम से विरक्त है, इसलिए उसका प्रेम संदेश गोपियों के लिए निरर्थक है, कोई मीनिंग नहीं है वो जो संदेश लेकर के आया है कृष्ण भगवान का। श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न गोपियों का उसके उपदेश से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उद्धव को बड़भागी व्यंग्य में कहा है, वह प्रेम से आहत होने के कारण श्री कृष्ण को प्रेम को पास रहकर भी नहीं समझ पाया। उद्धव के व्यवहार की तुलना दोनों ही बहुत सुंदर बन पड़ी हैं, कमल के पत्ते से और जल की गगरी से जो तेल लगी हुई हो। गोपियों ने उद्धव से कहा कि वह तो अभागा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास भी रह रहा है फिर भी उनके प्रेम से अलग है। गोपियों से स्पष्ट कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव से समर्पित हैं। वह किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उसका त्याग नहीं करेंगी। पुरैनी पात इस शब्द के माध्यम से कवि ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो संसार में रहकर भी प्रेम मार्ग पर चल नहीं पाते, श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति विरक्त बने रहते हैं।